दो आपके गांव में टीके तीन चार फसल है वहाँ जाते हैं ज्यादा मतलब ये आप अपने आप ज्यादा मतलब नहीं करते हाँ नहीं तो फिर आपको डेट निकाला मिल गया पक्का पांडव को डेट निकाला मिलता ही जहाँ बाबा है मैं वही जाती बाबा क्या है वही बाबा कुछ नहीं वो कहेंगे जहाँ भी जाती है बाबा जी जब रेल टूटेंगी एसी तो रहेंगी तो फिर हमको कैसा मालूम पड़ेगा क्या रेल हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो कराची में क्या एक ही रेल गई थी कोई बंगलौर से जाने वाली थी कोई कराची से बंगलौर आने वाली थी कोई कराची से कलकत्ता आने वाली थी कोई कराची से श्रीनगर आने वाली ट्रेन थी जो अलग अलग ट्रेन थी और अलग अलग ट्रेन होती थी मैंने जिनके लिए जो ट्रेन पकड़नी थी पहले ट्रेन पकड़ ली तो पकड़ ली बाद में सारी काट डाली आपको चमका लाएगा ये आ गई ट्रेन आ गई चल जाओ उसको बाबा जी हमारे नीचे पढ़ने लिखा है ये उनके टाइम में सामने आएगा अगर परीक्षा होगी तो सामने तो आएंगे ना आप ही तो बचेंगे कितने बचेंगे आया तो परीक्षा में पास होने वाले तो आठ बचेंगे बाकी तो सब लक्ष्य आ गया मैं बोला था कि भाई जब वहाँ पे हमारे लिए वो जो है वहाँ पे एक ही यानी अच्छी होगी अच्छी होगी कौन सी अच्छी होगी इस्लामियों की अच्छी होगी और मुगलवानों की अच्छी होगी हाथी का नाता ले लीजिए हाँ आज का नाता ले लीजिए इसका नाम है अभी तो नहीं है राम तो रहेगा तो आगे क्या खाली कर देंगे हम हम जाए पहले या पहले वो खाली करेंगे हम जाए बाप दादा ने कहा मरुन वालों को तो जोड़ना पड़ेगा हमको तो जाना है ना हम प्लान जो पैदा करें बाबा की वाणी बाबा ने कहा था मान लेते हैं प्लान कर रहे वही बाबा खाली तो करना ही पड़े वही और फिर अभी ये भी बोल रही आप माया भी समझ गई है कि हमारा राज्य जाने वाला है अंदर की अब तंग आ चुकी है भगवान कृष्ण ने क्यों है ये तो भगवान को रहेंगे लेकिन हमारे पाठ क्या करना हमारा पाठ क्या रहेगा हमको क्या करना होगा भगवान के जो क्या करना होगा ज्ञानी हो रही है तो ज्ञानी को पूर्ण नहीं करना है किया होगा तो ज्ञानी होगी वाले की मारे के ना
भगवान नहीं पड़ेगा। अगर वो गीता का भगवान श्री कृष्ण दादा नेत्रराज को कहते हैं तो गीता का भगवान है दादा नेत्रराज श्री कृष्ण है, दादा नेत्रराज गीता का भगवान है तो गीता के भगवान आराधना देवी देवता धर्म स्थापना होना भी कहा हुआ बाबा जी। बाप दादा नहीं आते, कहा जाता है बाप दादा आए, उसलिए कहा जाता है कि दादा माने ब्रह्मा की धूल, जब विद्यादा जी आती है उस गहरी याद होती है। बाबा कहते तुम जितना मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की सोच जब ज्यादा गहरी याद में होती है तो उससे भी कहते उनके साथ है, बाकी प्रवेश है ऐसे नहीं कहा जा सकता। प्रवेश तो पति तन होता है, ज्यादा जी तो जन्म से ही कुमारी कन्या है, उनमें बाप नहीं आते। बाप नहीं है जब ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो उनको झटका लगता था, जिनको कोई सूक्ष्म शरीर है तो झटका लगेगा, जिनको तो हल्का फुल्का स्वरूप है झटका लगने का सवाल ही नहीं, चेहरा मोरा बदलने का सवाल ही नहीं, ज्यादा से चेहरा मोरा बदल जाता है झटका लगता है, साबित होता है कोई मनुष्य आत्मा की सूक्ष्म शरीर कोई सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर रहा है। अब गुजराता जी तो दोबारा आगे तुम्हारी पढ़नी पड़ती है तो कब भूल जाती। बाबा उनके पता नहीं था, पता ही नहीं थी बाबा मुझे बता देते हैं। बाबा बता देते ये बोल सकते हैं कि वो नंदी कर नहीं है, गाय है माता का ही है। मेरी मम्मी को खोज के तो लाओ सर, वो लाओ सर।
तो उम्रे तो कुछ मारे जो मुश्किल है। पचास सात वर्ष यहाँ के पाँच छः साल बराबर हो जाए। अरविंद घोष और अरविंद कमल के फूल को कहा जाता है और घोष मैंने घोषणा कमल के फूल से समान जीवन बचा करके ज्ञान की घोषणा करने वाला कमल ये अरविंद घोष और वो दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज में हुए समान टाइम पर पाँच छः साल मुंबई की वार्तालाप बोल रहे हैं बाबा भक्ति मार्ग का शांता लेते हैं तो सोमवार को शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं सोमवार शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं और गुरुवार के लिए तैयार है गुरुवार बोलाए बाबा ने मुझे भी बोलाए सर गुरुवार के लिए सोमवार के लिए एकदम मेहनत में लोटी चढ़ाते हैं दूध की लोटी चढ़ाते हैं जिसके ऊपर उसमें दूध थोड़ा सा होता है पानी ज्यादा होता है माने जो कन्याएं अर्पण होती है वो उनमें ज्यादा ज्ञान तो होता नहीं है थोड़ा बहुत तो वो आती जाती है रोटी माने बुद्धि रूपी रोटी बुद्धि रूपी घड़े में थोड़ा सा दूध है और बाकी सब पानी पानी माने वो रोटी बाकी रोटी कर लो नया ज्ञान कुछ नहीं निकलता है उसके बच्चे में पानी पी दूंगा पानी को बिनोने से मक्खन नहीं निकलता है और दूध को बिनोने से मक्खन निकलता है तो मैं तीन सागर शिव बाबा मंथन करने से उसकी वाणी को मंथन करने के लिए यही बातें निकलती हैं जो नहीं है ज्ञान सुनाती है वो सुना सुनाया ज्ञान सुनाती बाकी कुछ नई बात नहीं बताती पानी की बाबा टेंशन पर गोल बाल मुझे नहीं सकते अगर अपने को सवेरे सवेरे नहीं लगी तो मुझे को नहीं देख सकते बाबा मुझे गीता पढ़ने क्लास में नहीं आ सकते क्यों शाम को आते हैं शाम को आते हैं सुबह को बंधन है थोड़ा शाम का तो मुझे को नहीं सुन सकते थोड़ा पाठशाला की इंचार्ज है उसको थोड़ा और मेहनत पर हो जाएगी सुबह को क्लास कराना फिर दोपहर को क्लास कराना फिर शाम को क्लास दो चार माता हो जाए इकट्ठी तो दोपहर में जाना चाहिए शाम की जगह दोपहर को ज्यादा टाइम देता है माताओं को तो आपस में सहमति कर लीजिए दोपहर को क्लास किया करें दोपहर को क्लास कर लेंगे तो शाम को जल्दी सोना हो जाएगा जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे बाबा जी को अनुकूल बताए कि साढ़े चार लाख आत्माएं जो है संपूर्ण बनेंगी तो वो बहुत पानी और इनके मांगों से ये होगा फर्क होगा और वहाँ पे नजर तो कितने दिन तक वहाँ पे नजर रहेंगे और बाबा जो है वहाँ पे तो सप्ताह ही दिन सब थोड़ा ही होगा लेकिन जैसे ऊपर से वो ऊपर भी जाएंगे साढ़े चार लाख में साढ़े चार लाख ऊपर से आने वाले प्रवेश करेंगे घर में आएंगे तो एक साथ नहीं आ जाएंगे एक साथ बर्फ पड़ जाएगी और धीरे धीरे अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके तो जैसे जन्म लेने वाले वो प्रवेश
करके चमक मारेंगे क्या, जैसे कुमार का दादी का बैठी वाले नाम वो भी मारेंगे, लेकिन वो अभी नहीं समझ रहे हैं चमक का भी मारेंगे बाद में, प्रवेश करने वाले व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति को अगर हर जाना वो चमक कैसे तो विरोध करेंगे अंत तक अभी विरोध करना विरोध करने की संस्कार हो जाएगी यहाँ पक्के तुम्हारे राम धर्म में जाके विरोध करेंगे, मुस्लिम धर्म में जाके विरोध करेंगे, अभी भी विरोध करेंगे पता चलेगा तो नाश्ते में पता चलेगा एक बार आके माता जी बात चले जाएंगे अभी शिक्षण शरीर से प्रवेश कर रहे हैं एडवांस वालों अभी बुद्धि में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर तेज में प्रवेश कर रहे हैं जो शरीर छोड़ने वाले हैं वो अपना चमक मारेंगे सारे शरीर छोड़ने वाले नहीं शरीर छोड़ने वाले तो इतना कर मारेंगे सभी बाबा व्यक्ति व्यक्ति शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा जैसी आत्मा है गणपति जैसी आत्मा है चंद्रवंशी उनकी बात बच्चों में प्रवेश करके सारा प्रसाद कर रहे ज्ञान भी ले रहे हैं ज्ञान समझ भी रहे हैं नहीं बाबा जैसे कुमार का दादी जानकी दादी का ऐसा धर्म के धक्के फैलाते हैं वो उसको डर नहीं यदि गुरु ने बात से मिली होगी बाबा है जब गुरु से पहले गुरु के बाबा है बाबा है हाँ तो सर को कुमार का डाली होगी ना होगी बात से ज्ञान नहीं लिया क्यों नहीं लिया होगा ज्ञान लिया होगा ज्ञान भी लिया होगा धोनी घाट में हो तो पवित्र भी बनी होगी तो फिर वो कर्म होंगे उनके अच्छे से कर्म किए तो वो हो गए ना काफी इसीलिए सुकन्या पिता का नाम लेते घबराती पहले पियू की बातें कितनी सुनाती थी अभी पियू की बातें कल नहीं बंद कर दिया दादी एक मनोहर दादी रह गई उनकी सबकी बात सुनाती है बस मनोहर दादी का कोई मान नहीं रह गया ज्ञान अभी वो क्यों की हिस्ट्री सुनाना बंद कर दिया है जन्म लेना है उनके बच्चा होगा मम्मा का कारोबार कितने संभाल मम्मा किसान तो कौन आई सभी किसानों में सबसे जात की खातरी होती है कुमार का कुमार का है कुमार का विशेष तो उनकी बालदार बन गए यहाँ से बनने उनकी कर ली बाल बालदार बने बाबा इतना बाप ने सब ज्ञान पूरा कर दिया
कोई पसंद नहीं रखी ज्ञान ये पूरा होता है पूरा यानी दूसरी जगह का पूरा ज्ञान तो अभी इतना पूरा होना है कि आपके अलग जगह खुल ले नहीं तो ये विष्णु बातें करते कहाँ से आएंगे विष्णु बातें आएंगे आपको पता ही नहीं हिंदुस्तान में कितने विष्णु निकले हुए आठ नौ विष्णु निकले हुए हैं उनका अपने विष्णु भगवान कह रहे हैं विष्णु माँ कह रहे हैं शंकर भी कह रहे हैं सत्य भी कह रहे हैं रामायण तो कुछ बात की भाई नहीं है सब तो फिर बता दी क्योंकि विष्णु बात की क्या बताने वाली है विष्णु पार्टी का जो नारायण होगा और जो लक्ष्मी होगी उनसे पूछो कि पंचलक्षक विष्णु का तो जन्म बता दिया है लक्ष्मी नारायण का जन्म बता दिया है तो तुम अभी लास्ट में नाम दिया था तो पड़े विष्णु बता दिया है कि पंचलक्ष में लक्ष्मी नारायण पता क्यों लक्ष्मी नारायण का जन्म होना मैंने पता क्यों और तुम ये लास्ट में आगे कैसे निकले संग होना चाहिए प्रवेश अरे उनके जन्म जयंती वेदांत की व्याकुल बनेगी अवस्थवादी भगवान बाद में भी जयंती भवन है जयंती तो पुरानी है वेदांती तो बात की है तो अभी जयंती भवन है वेदांती भी है आपकी गांव देहस्थ वालों का बहुत बड़ा है कि देहस्थ में जयंती है बड़ी मंदिर तो वेदांती जी देहस्थ में को दूसरी उपयोग होती है करने वाली होगी अफ्रीका वाले पासना है उनकी बात पूरी हो गई तो अफ्रीका वाली जो है गांधी पर वो हर हर वाली है कि देहद वाली वही देहद वाली है पार्टी बताइए देश का भी आप अफ्रीका है तो देश का भी अफ्रीका होगा वहाँ से निकले हैं वो फिर अफ्रीका वाले जो कुछ दुनिया में है उनका बीच में बात करोगे सब कुछ तो आप जो बीजू पार्टनर है हम लोग दुनिया का सब करेगा सिंपल चंद्रमंत्री भी है भी है क्या विजय वाला भी है विजय वाला कुछ भी है बड़े बड़े पापात्मा भी है बड़े बड़े पुण्यात्मा भी है विजय वाला की है विजय वाला बेहद कौन है ना ऐसे ही यहाँ जो रूप माला है उसमें चंद्रमंत्री कोई रूप है
चंद्रवंशी ग्रुप कौन सा है? चंद्रवंशी ग्रुप, वो चंद्रवंशी ग्रुप की हेड हो गई, चंद्रवंशी ग्रुप की हेड हुई तो तो आ गई ना। मकर उत्सव शंकर उत्सव यहाँ पे इतनी बड़ा जमीन है कि वहाँ पे जो एटम बॉम्ब जो बनने से प्रतिबंध नागपुर का यहाँ पे जो बर्फ जमी हुई है वो एटम बॉम्ब गिरने से स्कैटर हो, वो जो बर्फ स्कैटर हो जाएंगे बचेगी तो यहाँ पे पानी हो जाएगा। हाँ जी पानी पानी हो जाएगा, उसमें पहले आप जो है ना ये कर लो क्या कर लो नहीं बाबा में बाबा के लिए ऐसे कहा है क्या सही जाइए हमको तो ठीक नहीं लगा होगा क्या ये जो बावन बोली कोई तो वहाँ पहुँच रही है वही कैसे पहुँच रही है बोली पूरे भाई गुना करे कर मैंने कितने दिन से नहीं ये पानी नहीं पीते ये देश न पहले थे तो बिना की देश है सब झूठ खा ले सत्य ही रहेगा आगे झूठ जाएंगे हाँ जी हाँ जी हो जाए और बैकुंठ जो है उसको कोई एकदम नहीं वो नहीं हुए तो सारी दुनिया को सुधरने और संदेश देने का मौका नहीं देंगे स्थापना पूरी होगी जैसे आपको नहीं पता चल रहा है लोगों को नहीं पता चलेगा दुनिया वालों को बाली ने पूछा तुम कैसे भगवान हो आपने तो धोखा किया नहीं धोखा लिया तो बाली को तो वरदान मिला हुआ था कि सर्व गोवर जो युद्ध करेगा उसकी आदि ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी मानना उसका जरूरी है किनारे जो बैठा
आगरा में दिल्ली में वो जो ताजमहल का फाउंडेशन जो है शीशम का बना हुआ है, शीशम का बना हुआ है, शीशम शीशम के लकड़ी का बना हुआ है। ये कहा जाता है कि हमारे मूल रूप में किसी राजा ने जन्म बाद में मुसलमानों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। बोलेंगे जब बाबा का असली ज्ञान संसार में स्वीकार करना शुरू किया जाए तब असली रिश्ता जुड़ी। साढ़े चार में प्रवेश करना चालू है। तो एक ही दशमा में दो चार छह आठ भी बोला है। अभी प्रवेश करने वाले 500 करोड़ और जिनमें प्रवेश होगा वो 33 करोड़, तो अगर एक में एक ही प्रवेश करेगा तो कैसे काम करेगा। और बाबा जो प्रवेश करते हैं आत्मा वही अपने जाकर वही बच्चे बनेंगे ऐसा सारी नहीं। बाबा जी के बाबा में शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया है जो प्रवेश करेंगे वो दूसरे धर्म के नंबर होने वाली हो सकते नेपाल में जन्म लिया मैंने नई दुनिया का जो संगठन तैयार हुआ है पार्टी का नेपाल में नई दुनिया की पालना कर रही है। मम्मा उधर छोटी मम्मी ने प्रवेश करके अपना कार्य करती है, मां भी संगठन तैयार कर रही है। दूसरा आपको बताया लंदन, लंदन माने लेन देन करने वाली पार्टी, ज्ञान का लेन देन तो सबसे पहले कुशो माता नहीं किया। और विष्णु महाराजन जो है सारे दुनिया के यानी कब कहा जाएगा सारे दुनिया के लोग मानेंगे तो ये टाइम जो है सारी दुनिया में ज्यादातर लोगों की इसके लिए आकांक्षा हो रही है सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करें ये आकांक्षा तो नहीं है, क्या तो नहीं है इच्छा की पूर्ति होगी ना कभी होगी राष्ट्र संघर्ष उनको मानते हैं उनको हम लोग जो है संयुक्त राष्ट्र सारी दुनिया का हम मान्य कर देते हैं। अभी अमेरिका का अपोजिशन करती है बार बार से अपोज करती है और
जिसका मैं राजा बनता है वो साका काम के लिए, जो नारायण बनता है वो साका काम के लिए, क्या काम दूर करते हैं इसके बारे में नहीं ये बताया कि वास्तव में तीन शेर नहीं है, तीन बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों के पुरुष स्तनधारी क्यों दिखाया जाए? हाँ क्या बात है, तीनों पुरुष स्तनधारी होते हैं ना, जब विष्णु रूप में जब पुरुष रूप आगे हो जाते हैं पाठ बजाने में तो महानारायण कहा जाता है, जब स्त्री चोले आगे हो जाते हैं तो महालक्ष्मी कहा जाता है, वैष्णो देवी का भी गायन है, विष्णु देवता का भी गायन, वैष्णो देवी की यात्रा करने नहीं जाते राजा विक्रमादित्य की सीता जी का नाम इतना ही निश्चित है कि सत्यु के आदि में जो बाप होता है वो द्वापर के आदि में बाप होता है, के आदि में सत्यवादी टोल का जो बाप बनता है वो द्वापर युग के आदि में भी कोई बाप बनता है, त्रेता के आदि में जो राम का बाप बनता है वही कलयुग के आदि में बाप बनता है, माने सत्युग से लेकर के त्रेता अंत तक की हिस्ट्री और द्वापर के आदि से लेकर कलयुग अंत तक का एक जैसा चलता है। पहला वैश्य हुआ राजा विक्रमादित्य की पूजा कर रहा है मंदिर बनाकर, उसको मंदिर बनाने की कला किसने सिखाई, सिखाने वाला कौन, राजा बुद्धू होते हैं उनका भी कोई मंत्री होगा ना, बुद्धू होगी उनका पहला हुआ ना, विदेश के जो राजा है होती है देखिए का जो भी गायन नहीं होता है, विदेश के राजाओं का इक्या राजाओं में गायन नहीं होता है, भारतीय हाँ भारतीय है वो सिर्फ क्षत्रिय राजपूत राजाओं का गायन है, या विदेशी राजाओं का भी मुस्लिम राजाओं को भी पकड़ा जाएगा, यदि वो सिर्फ क्षत्रिय राजपूत राजाओं का ही गायन नहीं क्या विदेश के राजाओं का भी गायन जो भी गायन है वो भारतीयों का है, विदेशी को गायन क्यों होगा, विदेशी को सिपाही से सम्राट बन गया, तो भारतीय राजा था ना, नहीं उनका गायन थोड़ा 108
स्वर्ग के राजा नहीं थे, माला तो जीती जाती है। अब अष्टदेव से ब्रह्मा विष्णु आते हैं। हाँ, अष्टदेव ब्रह्मा विष्णु है, क्या तीनों जो है वो चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है या ब्रह्मवंशी? मुसूरी कौन है? सूरी है तो सूर्यवंशी होगा, बाकी दूसरे और में से एक चंद्रवंशी है तो उनको सूर्यवंशी कह रहे हैं। अच्छा है बाबा, वो जैसे लक्ष्मी आएगी सूर्यवंशी बनेगी, चंद्रवंश से जब कन्वर्ट हो जाएगी स्वयंवर होगा तो उसको सूरज भी बनेगी। नए से भी कन्या की सगाई होती है तो जिसको जब सगाई होती है उसका टाइटल बदल जाता है ना, ये परंपरा कहाँ से आई? है देव तो बनते हैं वो स्वरूप माला करता है, सूरज बनेगी तो चंद्रवंश बनेगी। तो बाबा ये जो है 108 की जो माला बनने वाली है इसमें जो है 9 धर्म के 9 और जो 12 जो है 12-12 की 9 12-12 की 9 12-12 में के जो है क्या जोड़ी रहेंगी? क्या दोनों माला में कोई जोड़ी नहीं होती है, भाई बहन भी नहीं है तो जोड़ी कहाँ से बन जाएगी? जोड़ी बनाने की जो कोशिश करते हैं वो बिलनी साबित हो जाते हैं। भाई बहन रहेंगे, हाँ सब आत्मा भाई अपनी लाख बाबा दाल काटी वालों तो वहाँ तो कोई काम धाम होता नहीं बोलते, तो फिर दाल काटी चांदा के जो राम सीता की राजगद्दी दिखाई गई है वो कहाँ की आ गया? यहाँ भी आ गया तो ये दाल काटी चांदा लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न वो जो दाल काटी का काम करते हुए दिखाई गए हैं वो कहाँ की आ गया? यहाँ उन्होंने विरोध किया है तो वहाँ जाने का कार्य बनी। और ये बहन जी बताते हैं कि युद्ध ज्ञान का सिलसिला है, ज्ञान और रत्नों के वहाँ तो बहन जी नहीं थी। नहीं नहीं क्या वहाँ देवान होगा क्या बता काम जाम लगता फिर करो थोड़ा थोड़ा शुरू होगा तो फिर ऐसे तैयार हो जाए जिनमें से भोज पत्र की वहाँ से कपड़ा निकलता है द्वापर युग से सोना थोड़े सोना चांदी और रत्न जवाहरात तो अभी अभी इकट्ठे हो जाएंगे समंदर के किनारे, सारा समंदर खौल मारेगा पड़ा रहेगा सारा इकट्ठा हो जाएंगे किनारे किनारे यहाँ से शुरू हुआ है वहीं से सारा चक्कर लगा करके इसी जगह जमा बोलते तो ये सभी की होगी बाबा है जो जमा बोलते हैं अभी लोग जमा बढ़ा के रखते ना तो अभी पैसा तो फिर वो ऊपर नाप रहता है ऐसा वैसा तो ये अभी का ही होगा कि नाक में दबा रहा है ये ध्यान रखने की बात है। बाबा एक बेटा की वाणी में बोला है ना बोधि ने स्कूल पवित्रता मारण के तो उन्होंने पाठ्यक्रम का बढ़ाई थी और बौद्ध धर्म की राजाई इस्लामियों के प्रभाव में आए तो इंप्यूरिटी बने बौद्ध धर्म की राजाई तो बाबा ज्यादा राजाई तो इस्लामियों की थी ना जी, ज्यादा रही।
अलावा जहाँ यूनिटी है वहाँ यूनिटी, जहाँ यूनिटी है वहाँ प्योरिटी है, दोनों आरोप पर इसलिए देखो हिंदू राजाओं ने तो 400-500 रानियाँ रखना शुरू कर दी और मुसलमानों ने तो बंद बंदी हुई 3-4 आदमी से ज्यादा नहीं कर सकते तो ज्यादा पति कौन हुए राजा ज्यादा हिंदू ज्यादा पति हुए ज्यादा पति हुए तो संगठन जिनका ज्यादा बने संगठन टूटेगा जिसका कहाँ यूनिटी हुई कहाँ प्योरिटी हुई इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम रख लिया पाकिस्तान और ये है ना पाकिस्तान मुसलमान तो 3-4 शादियों में ही बदले हुए हैं हिंदू ने तो लुके छुपे से जाने कितनी शादियां करते हुए थे बाबा बेसिक वाले जो है उनको हम बच्चे जो देने जाते हैं वो सुनते हैं दूसरे से बात जो पूछते हैं कि आपने जो गलत किया फिर वो श्रापित भी करते हैं एडवांस बेसिक वाले कि भाई आप मैंने ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा उसके ऊपर हमने उनके ऊपर कैसे उनसे बर्ताव करना है पूछिए कटाई अगर पोसने लगे तो पद्धा मर जाएगा क्या कटाई अगर ये गालियां देने लगे तो तेरा पद्धा मर जाएगा कटाई पोसने से पद्धा मर जाएगा अरे कटाई अपने तो कर्म सुधारे प्रभावित हो जाते हैं कह दिया मुँह लटक गया प्रभावित हो गए मना ऐसे प्रभावित होता है उनकी प्रजा किसी जन्म में बने लेकिन उनकी किसी बात को दिखा ही ना करें साबुत करते हैं हम साफ को स्वीकार न करें कोई गाली देता है हम गाली स्वीकार न करें वो हमको धक्का देके आसन में से बाहर निकाले हम कहेंगे पूर्व जन्म का एकाग्रता पूरा हुआ हम पिछले जन्म में राजा थे हमने तुमको अपने राजा में से बाहर किया था तुमने अपने घर में से बाहर कर दिया हमारा एकाग्रता पूरा किया बहुत अच्छा हुआ आया समझ क्या सब धक्का देके बाहर निकाले तो क्या कहना चाहिए नहीं समझा कुमारिया का धक्का देके बाहर निकाले तो क्या कहना चाहिए नहीं नहीं पांडव तो ठीक है हमारा हिसाब का हो गया हम जन्म में राजा थे तो राजा बनकर के हमने तुम्हें अपने राज्य में जो धक्का दिया था अब तुम्हारे राजा ही अपनी चार दीवारी में आश्रम की चार दीवारी उन्होंने हमको जन्म में हिसाब किताब पूरा करके आप उनसे बाहर कर लिए बहुत अच्छा हिसाब किताब जीती हुआ हम फायदे में तुम फायदे में कराची में कोई बच्चे वाला क्यों भाई क्यों नहीं बोलने वाला बोल रहा है मिलने वाले ब्रह्मा भी होगा बाबा तो उसने बोला है 50-15 के लिए क्लास में पढ़ने सुनाते थे बाबा अभी बेटी वाले बोलते रहते हैं मैं अंतिम समय में महोदा को तो नहीं पहुँचेंगे तो ये जो सेंटर है इसमें आप अपने जो है लगा दो उन्होंने याद दिलाओ मुरली में बाबा ने बोला है कि किराए से चलाते रहो दुनिया में सारी विनाश होने वाली है अभी प्रॉपर्टी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा वो माँ बाप की काम उड़ाती है
तो हमने अपने घर जमा के बैठे मर्जी का भोग लगा पैसे इकट्ठे करने के तरीके बनाए हुए किया बोला है विनाश तो होना है लेकिन निमित्त कौन बनता है जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण को नाम पाला होता है अब राजा ही तो जाने वाली कम से कम बैंक बैलेंस तो बना रहेगा ज्यादा जा रहे हैं पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कर रहे लोग हमारा काम है अगर किसी की लंबी रेखा है तो उससे ज्यादा लंबी रेखा नहीं पूरी हम अपना संगठन मजबूत बना देते हैं बावन बोला कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी बिहारी प्रवेश कर न सके ऐसी बिहारी आकर प्रवेश कर गया और थोड़ा थोड़ी कर रही वही तो टेम्पल पहले आगे निकलेगा में रहते हुए निवृत्त रह करके दिखाना पवित्र रह करके दिखाना वही तो कमाल है संसार को कैसे कहते हैं देखने में भी आएगा चेहरे की चमक बाबा जी कैसे कर देगी तो भावना का भाड़ा देते हैं भावना का भाड़ा देते लेते थोड़े ही ना साक्षात्कार कराते ये तो ऐसे संग में हुए ऐसे जो शूटिंग हो जाती है वही वहाँ चलता रहता है ब्रह्म में तो बात को मालूम करना पड़ता है मालूम करें सरकार नहीं हो जाए अलग अलग वो परमनाम में बैठ करके देखते रहते हैं क्या विष्णुदास को अब साक्षात्कार कराना है तुलसीदास को अब साक्षात्कार कराना है रैदास को अब साक्षात्कार कराना लेकिन भगवान ऐसा कराता धराता नहीं है ये सब ब्राह्मण में नूंद है
ऑटोमेटिक होता रहे, पहले जमाने कर्म में नहीं हुआ। तो फिर बात और बोला कि अगर जिंदगी को कुछ मालूम नहीं पड़ता तो फिर साकार बाप का आधार लेके ज्ञान ज्ञान सुना रहे हैं ना सर। हाँ मालूम पड़ रहा है, पहले नहीं मालूम पड़ता उनकी आत्मा में जो संस्कार भरा हुआ है ज्ञान सुनाने का, वो संस्कार यहाँ गति हुआ जो ऐसे कुछ नहीं। परमधाम में क्या रहा, आत्मा जड़पत रहती है कि चैतन्य नहीं रहती है? आत्मा को कुछ नहीं समझ जड़ होती है परमधाम में आत्मा नहीं है। यहाँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदमी चेतनता आती है। तो जब शरीर छोड़ता है आदमी शरीर छोड़ता है तो आत्मा को शांति दो, तो वो तड़पता है उसको शांति दो, ऐसे बोलते तो फिर वो आत्मा को शांति देती है। जो मरता है उसको शांति मिलती है, कोई गारंटी है? तो और अशांति निकल जाती है, गर्भ में चली जाती है, गर्भ जेल में ट्राई ट्राई करती है, बाहर निकालो बाहर निकालो। तो इकट्ठे होगी उसको बाहर निकालती है मार के करते हैं, तो उसको कैसी शांति मिलती है? होती नहीं, मिलती नहीं किसी को शांति, शांति किसको मिलती है? सब अशांत होते चले जाते हैं, शांति कहाँ से आएगी दुनिया? और ये खराब बात तो देखा नहीं हो गया और क्या आप अभी तक ये कम बार बार कम करती नहीं बाबा। पहले से मानती थी ना संजना ने भी पता जिंदगी में की होगी की बात का थोड़ा भी संस्कार रह जाएगा ये अब ये भी रह जाएगा तो भी तेरी छोड़ना पड़ेगा। बिकारी बच्चा मैंने बेस का मुझ पीना कृष्ण की सोल ऐसा में बिकारी है या राम की सोल बिकारी है? जो पाक दिखाया वो किसको दिखाया गया? शंकर जी को दिखाया। शंकर वास्तव में नाम किसका है? नहीं शंकर माने तीन आत्मा विष्णु करके जहाँ पाठ बजाती है, राम वाली आत्मा तो याद भी मत कर। 16,000 गोपनाओं के साथ कनेक्शन किसका है? का कनेक्शन है राम का कनेक्शन है, कभी का कनेक्शन है बाबा। अभी आप आश्रम में चंडीगढ़ जाते समय एक भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले जो बाबा को जो है तकलीफ देने के लिए 25 लाख रुपये खर्च किए थे दस रुपये 25 लाख। हाँ अरे 40 करोड़ निकाले हैं उस समय ब्रह्मा कुमारी में। अभी जो है शंकर पार्टी से चक्कर लेने के लिए अभी और उन्होंने फोन आया था मुझे कि 3 करोड़ और खर्चा करूँगा। उस टाइम तो मुझे जैसे लागू करके किया मैं, क्या बड़ी बात है 3 करोड़ की एक विदेशी कंपनी आई इनकम टैक्स का हिसाब पूरा करने के लिए इंडिया में, उनको अच्छा वकील ढूंढना था तो उनको ढूंढना था, उसकी 10% वही खा गए 3 करोड़। एक एक केस में 3 करोड़ मिल जाता है जरूर पटेल को। पैसे से कोई सच्चाई को खरीदता है क्या? खरीद लेगा क्या उसने भट्टी तो की थी बाबा? उन्होंने भट्टी भी की नीचे पता भी लेगा फिर भी ऐसी विपरीत स्थिति क्यों नहीं है? क्या बन रहा है धर्म बनने वाले कैसे बने? यहाँ नहीं ऐसा नहीं करना, यहाँ मुझे नहीं सुनना, ये टाइम का ऐसा नहीं क्या, वो टाइम का ऐसा नहीं क्या, यहाँ फाइन क्यों की बाहर फाइन क्यों की? बाबा जी 4 से 5 तक 5 से 6 तक की मुझे नहीं होती क्या?
सवेरे का पेड़ तू चार से पाँच बोलो तो पार्टी थे तो ये रूटी नहीं होगी इस टाइम क्यों ज्यादा लोग है ना तो ज्यादा लोग सबके समझ नहीं सवेरे चमका नहीं तो चलो पड़ोस में है तो फायदा ले लेना सब्जी में जाके मुरली सुन ले मुरली सुन लीजिए और साइन कर लेती थी जहाँ जहाँ जाकर के मुरली तो साइन कर देती थी मैं जहाँ जाकर के मुरली सुनी वहाँ साइन कर दी हाँ तो वो लोग किया गया कि यहाँ अभी फाइन नहीं बोले तो सवेरे की मुरली बात की नहीं तो काम की नहीं नहीं मुरली तो कहीं भी करते हो लेकिन बाबा ने एक नियम बनाया हुआ है कि योगियों के घर में गीता पाठ करना रखनी है वो नियम माता के यहाँ थी ना अभी तक अभी तक माता के यहाँ थी ना माता अकेली है या अभी युगल है सर नहीं युगल नहीं ये माता है पहले गीता पाठ करना नहीं गीता पाठ करना माता भी हो और साथ में भाई भी हो वो गीता पाठ करना जमाना है तो रजिस्टर था ना बाबा जी बन गया है तो मैंने साइन करना बंद कर दी बात नहीं क्या अंतर पड़ता है ऊपर तो साइन हो जाते हैं बार बार दिल को और मेरी बात दिल को गणपति की बाबा कि यहाँ साइन नहीं तो क्या होगा बाप के पास तो मेरी आदमी बाबा की बाणी भी रोक रहे हैं यही मेरे बार बार मेरे बन जाता अभी तो फिर भी कोई कोई देखने में आते हैं आगे टाइम आने वाला है कोई किसी का देखने में प्रैक्टिकल नहीं रहेगा कोई किसी का संबंध ना खींचे अभी तो फिर भी होता है मेरा ये मेरा वो मेरा वो बाबा अंत में अंतका गायन की अंत का गायन की बाबा बाप साक्षी हो जाएंगे शिव बाप बाप दादा साक्षी हो जाएंगे माने राम मंदिर की आत्मा साक्षी बन जाएंगे जन्म जन्मांतर के लिए और शिव बाप वृंदावन में बैठने में वापस चले जाएंगे वापस चले जाएंगे शिव बाप वापस नहीं जाता है कैसे भी रहता है सामान्य भी चल रहा है सामान्य वालों के लिए और जिनके लिए छोड़ रही है पुरुषोत्तम भी चल रहा है जिनकी बुद्धि में ये प्रत्यक्ष हो गया कि आत्मा में उत्तम पाठ बजाने वाला हीरो पाठधारी कौन है जिसको पक्का हो गया उनकी पुरुषोत्तम और जिनको पक्का होने के बाद फिर अनिश्चय पैदा हो जाता है अच्छा ये नहीं है ये है न हो विष्णु का पाठ करते थे विष्णु मना पवित्र आत्मा का संगठन
तो विष्णु वाली आत्मा के जो नजदीक होंगे जन्म जन्मांतर के उनको भटक के हो जाए। जैसे सन 76 में बाप के नजदीक तभी हो गए थे क्या एडवांस वाले जो हो गए उनके लिए भटक हुआ बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है तो बाद में बनेगा ना, अभी तो नहीं है। तो बाद में बनेगा ना, अभी तो नहीं है। जो ब्रह्मा है सो ही विष्णु है, यानी ब्रह्मा और विष्णु दोनों के संसार अंत में अलग अलग नहीं रहेंगे, एक ही जैसे। अभी से आप मिले नहीं, खाना से भी कब मिले थे तो तुम मिलेंगे बाबा। तो कोई कोई कहते थे कि और एक दो बार दिल्ली में जाकर घूम के भी आ गए और हम वहाँ पहुँच गए। अभी सर कभी संकल्प आया कि अभी हम बाबा से जीत नहीं पाएंगे, बाबा आज के हमको मिले मिलना है तो मिलेंगे, नहीं तो हम क्या देखते पहले मिल चुके। बाबा ये घूमते थे कि दो मंदिर में शिव के मंदिर में दो नंदी होते थे, एक अंदर होता है एक बाहर होता है, इनका क्या ये है अर्थ कि अंदर वाला और बाहर वाला कौन सा नंदी के पूछे। वास्तव में तो दो जो दो बैलों की जोड़ी करते थे, नंदी गण कहा जाता है, गण माने समूह, समूह दो से कम का नहीं मिलता, समूह कहा जाएगा गण कहा जाएगा तो कम से कम दो तो होने चाहिए, तो दो बहनों की जोड़ी है आराम हो सकती। धर्म का प्रतीक माना जाता है बताते तो हैं कि पहला नंदी जो है वो ये है ब्रह्मा और दूसरा नंदी है गुलजारदा जी बता रहे थे वो बैल है क्या भैया है कि बैल है बैल है उनको बोलना है आप से कोई बता नहीं वो समझते नहीं। वहाँ पे तो चार ही धर्म का ये होता है, आदि सनातन बौद्ध और त्रिपुर दस धर्मों के बारे में अपन बताओ ना वो सुनने को पानी नहीं। कैसे हमारा ब्राह्मण धर्म है देवता बनने वाले आप ऐसा तो नहीं है, जो कन्वर्ट हुए थे वो कहाँ कहाँ जाएंगे, जो नहीं कन्वर्ट हुए वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ गए। बड़े ड्रामा में कन्वर्ट हुए हैं तो यहाँ भी तो कन्वर्ट होने चाहिए। यहाँ सब पता चलेगा किस धर्म का है, किस देश का है, कहाँ कितने क्या पार्ट बजे हैं,
धर्म पिता के साथ किसका पाठ है, धर्म पिता के साथ किसका पाठ है, और आज सनातन विष्णु देवता आज से लेकर के अभी तक पक्का रहने का किसका पाठ है।